हाय एवरीवन, आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा होने वाला है। तो ये है मेरा ब्लॉग जब हम निकल रहे हैं नागपुर से बैक फॉर पुणे, और हमें 11 को रहना था नागपुर में, इसलिए हमें फ्लाइट बुक करनी पड़ी। अदरवाइज नागपुर टू पुणे ट्रेन्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। तो हमारी सुबह 4 बजे की फ़्लाइट थी, आप लोग देख सकते हैं। हम रात में पहुँचे और बहुत नींद में, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद नागपुर में हम आ गए एयरपोर्ट, और यहाँ पे आके हमने वेट किया 1 घंटा, और फिर अब हम बोर्डिंग कर रहे हैं फ्लाइट के लिए। यस, ये है शशि। अब हम अपना सामान रख रहे हैं, अभी हम बहुत मिस करा रहे हैं, लेकिन जल्दी हमारी हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि हमें आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। बट स्टिल जब प्लेन टेक ऑफ करता है उस टाइम थोड़ी एक्साइटमेंट तो ज़रूर रहती है। तो वी आर जस्ट वेटिंग कि जैसे ही प्लेन उड़े वैसे ही हम सोए। बट उसके पहले हम देखेंगे कि फ़्लाइट अटेंडेंट्स जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो तो सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं सुनेंगे तो काम कैसे चलेगा, फ़्लाइट में मज़ा कैसे आएगा। और ये हमारी फ़्लाइट उड़ान के लिए तैयार हो चुकी है, धीरे धीरे रनवे की तरफ जा रही है। और मीन वाइल आप देखेंगे, हम इतने बार भी ट्रैवल करने के बावजूद भी वी स्टिल इन्जॉय दिस मोमेंट एवरी टाइम, क्योंकि जिस मोमेंट प्लेन टेक ऑफ करता है और छोड़ देता है, ज़मीन को हवा में उड़ता है, वो मोमेंट इज़ वेरी वेरी एडवेंचरस। अभी तक वी वेट फॉर दैट मोमेंट एंड देन वी गो लवली सीन। बहुत ही अच्छा सीनरी था आफ्टर टेक ऑफ मोमेंट, बहुत ही प्यारी लाइटिंग, नागपुर शहर बिल्कुल जगमगा रहा था। मुझे याद नहीं आता है कि लास्ट टाइम इतना जगमगाहट दिखी थी, बट आई थिंक मे बी आफ्टर G20 के बाद ये हुआ है, और आई एम रियली नॉट श्योर, और मे बी आई डोंट रिमेम्बर, बट इट वॉज लवली। और इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं पुणे नाउ, और बस अब हम बाहर निकल रहे हैं एयरपोर्ट से। बट बिफोर दैट वी हैड टू कलेक्ट आर लगेज, सो दिस इज अस एंड हियर वी आर मूविंग आउट। बट अर्लियर इट वॉज वेरी सिंपल, एंड जैसे ही आप अराइवल से निकले आपको ओला मिल जाती थी। बट अब हमने देखा कि ओला के लिए आपको एरो मॉल में जाना पड़ता है, उसके लिए एरो मॉल के लिए यू हैव टू वॉक अ बिट, एंड देन ओवर ब्रिज है, एस्केलेटर है, तो हम चले उसकी तरफ। सो इट लिटरली टुक अस 5 to 6 minutes मे बी, इट वॉज नॉट मच, बट एट दैट मोमेंट वेन वी वर वी कुड नॉट स्लीप अ होल नाइट, एंड देन वी हैड टू वॉक दिस मच, सो वी वर लिटरली फीलिंग ओ माई गॉड वेर आर वी गोइंग। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसी फीलिंग आ रही थी हमें। बट येस, दिस इज़ कन्वीनियंट आई थिंक, बिकॉज ओला का एक अलग ही स्पॉट बना दिया है। सो पूरा ट्रैफिक जो ओला कैब से होता था, नाउ इट विल बी मैनेज फ्रॉम दी एरो मॉल पार्किंग, एंड ओला का वहाँ पे उन्होंने पिकअप पॉइंट बना दिया। सो यू हैव टू गो ऑल द वे फ्रॉम द एयरपोर्ट टू एरो मॉल, एंड दिस इज़ द एरो मॉल, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये भी। और यहाँ से क्रॉस होते हुए हमें ओला पिकअप पॉइंट तक जाना है, और ये हम चले अपने घर की ओर। बस निकल चुके हैं, और दिस इज़ द टाइम वेन वी वॉन्ट टू रीच होम एज अर्ली एज पॉसिबल। वी आर फीलिंग सो स्लीपी। बहुत सारी मेमोरीज के साथ हम घर जा रहे हैं। इट वॉज अ गुड स्टे विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो बर्थडे सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा रहा नागपुर में। इट वॉज अ गुड डिनर विद फ्रेंड्स। आई विल ट्राई टू पुट सम पिक्चर्स हियर, एंड ऑफ कोर्स आई विल मिस माई होम अ लॉट, बट उसके साथ अब पुणे जाना है, गोइंग बैक टू वर्क विद दीज लवली मेमोरीज विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेरी गुड सेलिब्रेशन, एंड ऑफ कोर्स
बस माय ब्रदर एंड द सी हैड टू लीव और अर्ली हम कुराड़ी मंदिर एंड भी गए थे बीच में। नागपुर में एक बहुत पुराना मंदिर है, कुछ वहाँ के भी मैं ग्लिम्पसेस लगा दे रही हूँ। और फिर वापस से शाम को फैमिली के साथ हम बाहर गए फ्रेंड्स के साथ। और मेरे भाई को जाना पड़ा एज अ सर मुंबई कुछ अर्जेंट काम से, सो ही लेफ्ट। बट यस, मेरे फ्रेंड्स आए थे, भैया आए थे और दीदी, भैया लोगों ने मिलके काफ़ी अच्छा सा बर्थडे डिनर ऑर्गेनाइज किया था। आई रियली रियली लव्ड इट। एंड इवनिंग में मुझे फील हो रहा था कि येस इट्स माई बर्थडे टुडे, इट्स माई डे। ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू माई फ्रेंड्स यू नो हु केम फॉर दिस इवनिंग फॉर मी। सो दिस इज़ द केक कटिंग, क्विक केक कटिंग सेरेमनी हैपनिंग विद फैमिली। या एंड या इट वॉज अ गुड टाइम। बेसिकली आजकल यही एक चीज़ हो गई है कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और चाहे वो आपकी वेकेशंस हो, कोई सेलिब्रेशन हो। एंड जब हम यंग एज में होते हैं वी वांट आवर फ्रेंड्स, बट एज वी ग्रो वी रियलाइज दैट स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड दैट वॉट मेक्स यू फील गुड। एंड कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो काफ़ी सालों बाद भी मेंटेन्ड रहते हैं। एक्चुअली इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।